प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मोदी के 8 साल के कार्यकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर चलाई गई योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। विशाल योजना के अंतर्गत आज महिला मोर्चा ने एक विशेष कार्यक्रम किया। मैं समझता हूँ कि एक अनूठा कार्यक्रम, और जहाँ पर नारी सजग हो जाती है तो देश का उत्थान होने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने महिलाओं को 9 करोड़ गैस के कनेक्शन देना, 11 करोड़ शौचालय देना, महिला समूह के माध्यम से उनको एक अपने आत्मनिर्भर बनाने का काम करना, अनेक प्रकार की चाहे मात्र उनके मातृत्व योजना देना, अनेक प्रकार की योजनाएं जो माननीय मोदी जी ने दी है, इसके माध्यम से मैंने अभी महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, उनको आग्रह किया है कि मोदी सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाकर और भारत को माननीय प्रधानमंत्री जो योजनाएं दिए उन योजनाओं को धरातल तक पहुँचा कर और जो भी लाभार्थी है उन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करें और भारत सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम करें। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने 8 वर्षों में जो काम किया है, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में परिणित होते नजर आ रहा है। मोदी सरकार के 8 साल वास्तव में बेमिसाल है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो हमारा देश गार्गी मैत्रेयी वाला देश है। महिलाओं को सम्मान देना हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। लेकिन महिला उत्थान के लिए पिछले 70 वर्षों में जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने महिलाओं को कोई सिर्फ वोट बैंक समझा। पहली बार मोदी जी की सरकार आने के बाद योजनाओं के केंद्र में माताओं को, बहनों को रखकर उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और आज यहाँ पर महिला मोर्चे द्वारा उस 8 साल के 8 साल का जो कार्यक्रम है उसमें महिला सशक्तिकरण के जो काम हुआ है उसके लिए आयोजन किया गया है। मैं साधुवाद देना चाहूँगी संगठन को भी और मोदी सरकार की योजनाएं हम कार्यकर्ता जन जन तक लेकर जाएं, इसी संकल्पना के साथ आज ये सम्मेलन यहाँ पर हुआ है।